हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में जॉनसन्स के एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फोन पर देख सकोगे। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है naturalvarsha1996। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज कर लीजिएगा गाइज। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में है यहाँ पर जॉनसन्स की एक क्रीम, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की है देखने में। सो इसके फ्रंट पर ही मेंशन किया गया है जॉनसन्स मिल्क प्लस राइस क्रीम, आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पर ही यहाँ पर मेंशन किया गया है जॉनसन्स मिल्क प्लस राइस क्रीम। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। मुझे ये किसी भी तरह के कार्डबॉक्स में या फिर डब्बे में पैक करके नहीं मिली थी, मुझे ये खाली इसी तरह से ट्यूब फॉर्म में मिली थी। व्हाइट कलर की ये ट्यूब है जिसके ऊपर ब्लू कलर से इसके बारे में मेंशन किया गया है। एंड जॉनसन्स में आपको दो क्रीम मिल जाती है, एक है जॉनसन्स बेबी क्रीम एंड दूसरी ये वाली है जो की है जॉनसन्स मिल्क प्लस राइस क्रीम। जो जॉनसन्स बेबी क्रीम है उसका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड उस वाली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो 75 रुपीज इसका प्राइस है, 3 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है एंड 50 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। 75 रुपीज में आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। जॉनसन्स मिल्क प्लस राइस क्रीम है, ऑफिसली बच्चों के लिए है तो पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स है। सो अगर आप भी अपनी स्किन के लिए पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आप जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई है बट जो मेन है वो है मिल्क एंड राइस, जो की इसके फ्रंट पर ही मेंशन की गई है। सो मिल्क हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, क्लीन करता है। जो राइस है वो हमारी स्किन को क्लीन करता है एंड हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, हमारे कलर को फेयर करता है। अगर आप भी अपने बेबी के कलर को फेयर करना चाहते हैं तो आप जॉनसन्स की मिल्क प्लस राइस क्रीम का यूज करें एंड आप उसे रेगुलरली ट्राई करते रहे अपने बेबी के ऊपर। सो आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपको अपने जो बेबी का कलर है वो एक दो शेड लाइट होता दिखाई देगा। अगर आप एक टीनेजर्स है और आप अपनी स्किन के लिए अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स हो उनका यूज करना चाहते हैं तो आप जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप एक टीनेजर्स होकर के अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी स्किन को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो तो आप जॉनसन्स की मिल्क प्लस राइस क्रीम का यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें राइस ऐड किया गया है जो कि हमारे कलर को फेयर करने का काम करता है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, हर कोई इसे यूज कर सकता है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। आप इस क्रीम को समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस क्रीम का दुगना फायदा और बहुत ही जल्दी इसका फायदा अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर देखना चाहते हैं तो आपको इसे 2 टाइम्स यूज करना है, आपको इसे डे में एंड नाइट में दोनों ही टाइम आपको इसे रेगुलरली ट्राई करना होगा। उसके बाद देखिएगा जो आपकी स्किन का कलर है वो एक दो शेड लाइट होने लगेगा। सो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको इसे ओपन कर लेना है। ब्लू कलर की इसकी कैप दी गई है, सो कुछ इस तरह की इसकी कैप है। जल्दी से मैसी नहीं होने वाला है आपका प्रोडक्ट, इसकी जो कैप है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है एंड इजिली ओपन भी हो जाती है। सो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, सो इजिली इसे आप अपने हैंडबैग में भी कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्हाइट कलर की ये क्रीम है, इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हैंड पर अप्लाई कर लेना है। अगर आप इसे अपने बेबी के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसे अपने बेबी के भी नेक पर, फेस पर, हैंड पर, सभी जगह पर आप इसे उसकी यूज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आपको इसे अप्लाई कर लेना है। फ्रेग्रेंस की अगर इसकी बात करूं तो जॉनसन्स के प्रोडक्ट में से जिस तरह की फ्रेग्रेंस आती है बिल्कुल वैसे ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस इस क्रीम से भी आ रही है। आप अपने हैंड के लिए कोई अच्छी सी अफोर्डेबल प्राइस में हैंड क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप इस क्रीम को एज ए हैंड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आप इसे मॉइस्चराइजर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बेस्ट मॉइस्चराइजर चाहिए अपनी स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, जो कि आपके कलर को भी फेयर करता रहे और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दे, सॉफ्ट भी कर दे। सो आप इसे एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं।
तक कि आपका बेबी 5 ईयर्स का ना हो जाए तब तक आप उसके लिए जॉनसन्स के प्रोडक्ट ही यूज करें, यही उसकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप उसके ऊपर तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे तो इससे उसकी स्किन को नुकसान हो सकता है। सो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा लगा। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।